अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन महमूद एंड वेलकम टू जायंस। इस वीडियो में हम गिट को अपने लोकल सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, गिट हब पे एक अकाउंट बनाएंगे और एक रेपो बनाकर लोकल सिस्टम से एक कोड प्रोजेक्ट गिट हब में बैकअप करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। गिट को डाउनलोड करने के लिए आप गूगल क्रोम को ओपन कर लें और गिट लिखकर सर्च करें। फर्स्ट वेबसाइट गिट, इस पे ओपन कर लें इसको और स्क्रॉल डाउन करके, ये पीसी की एक इमेज है, उसके अंदर ये बटन लगा हुआ है डाउनलोड फॉर विंडोज, इस पे क्लिक करें। आप इस पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पर क्लिक हेयर टू डाउनलोड, इस पे क्लिक करें। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ये फ्री डाउनलोड मैनेजर अगर आपने सेटअप किया हुआ है तो वो डाउनलोड कैश कर लेगा, अदरवाइज ब्राउज़र में आपकी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ तो मैं इसको कैंसिल कर दूँगा। और जैसे कि हमें पहले पता है कि जब हम फ्री डाउनलोड मैनेजर से कैंसिल करते हैं डाउनलोड से, तो वो रिडायरेक्ट हो जाता है ब्राउज़र डाउनलोड पर। मैं यहाँ से भी कैंसिल कर दूँगा और ओपन करूँगा डाउनलोड्स में, ये ऑलरेडी डाउनलोडेड पर आ रहा है गेट। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और इसको स्टार्ट कर लूँगा। एडमिन अलर्ट आपके सामने आएगा, उसको यस कर दें और इसको मैं क्लोज कर दूंगा। ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हमारे सामने आ गया, मैं इसको क्लोज कर दूंगा और इसको भी क्लोज कर दूंगा। यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करें, यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे बेसिकली मेरे सिस्टम में ये पहले से इंस्टॉल था, मैं यस पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ से फर्स्ट दोनों को रहने दें, ये डेस्कटॉप पे आपका आइकॉन लेके आएगा उसको रहने दें। सेकेंड वाले दोनों ऑप्शन चेक कर दें, विंडोज एक्सप्लोरर वाला, ओपन गिट बैश हेयर, ओपन जीयूआई हेयर, यहाँ पे भी नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, यहाँ पर भी नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पर भी नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। GitHub का ये पूरा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस, बस आपने नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है और ऑलमोस्ट ये पूरा सिमिलर है। कोई ऑप्शन, डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन है वो सारे बिल्कुल सही काम करते हैं। मैंने अभी तक सारे जो पॉइंट्स थे उन पे नेक्स्ट पे क्लिक करता रहा और अब इंस्टॉल का बटन आ गया, इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा और इसकी इंस्टॉलेशन का जो पार्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही इंस्टॉलेशन का प्रोसेस फिनिश होता है मैं फिर कंटिन्यू। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस मेरे लिए कंप्लीट हो चुका है, मैं इसे अनचेक कर दूंगा व्यू रिलीज नोट्स, ये सिर्फ इसके रिलीज नोट्स दिखाएगा और फिनिश कर दूंगा। यहाँ पे मैंने दोनों ऑप्शंस को अनचेक कर दिया, फिनिश। इसी के साथ गिट सॉफ्टवेयर मेरे सिस्टम में प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे मैं गिट लिख के सर्च करूँगा, आपके पास गिट बैश आना चाहिए और ये गिट GUI, मेनली हम जो यूज़ किया करेंगे वो गिट बैश ही यूज़ किया करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट कंटिन्यू करने के लिए हमें सबसे पहले एक गिट हब का अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके लिए आप गूगल क्रोम में आ जाएं और एक न्यू टैब ओपन कर लें। गिट हब पे अकाउंट बनाने के लिए आपके पास एक ईमेल होना जरूरी है, वो चाहे जीमेल हो, आउटलुक मेल हो, याहू मेल या कोई भी आपकी बिजनेस कस्टम बिजनेस ईमेल हो, आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना ज़रूरी है। इस गूगल की प्रोफाइल में मैंने कोई गूगल अकाउंट लॉगिन नहीं किया हुआ, तो मैं प्रोफाइल चेंज करके एक डिफरेंट प्रोफाइल में मूव कर दूँ। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि गूगल क्रोम में आप डिफरेंट प्रोफाइल्स कैसे बना सकते हैं, तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस वीडियो से आप ये चीज़ सीख सकते हैं। यहाँ पर अब मैं github.com ये लिखूँगा और एंटर करूँगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पर आ सकें। यहाँ पे मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे आप इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे ये आपसे एक ईमेल मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल एंटर करूँगा। आप अपनी ईमेल एंटर करेंगे, ईमेल एंटर करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, आप एक कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो आप यूज़ करते हैं वो एंटर कर दें और कंटिन्यू पे क्लिक करें। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ये आपसे एक यूज़र नेम मांगेगा, ये आपके अकाउंट का यूज़र नेम है। बेसिकली ये यूज़र नेम इम्पोर्टेंट है,
ये आपको एट द एंड गिटहब पे आइडेंटिफाई करेगा। जैसे मेरा पर्सनल जो यूजर नेम है वो है A1Ehsan, इसको अगर मैं एंटर करता हूँ तो ये मेरी पर्सनल बेसिकली प्रोफाइल है। तो ये यूजर नेम इम्पोर्टेंट है, आप एक अपने लिए एक यूजर नेम डिफाइन कर लें जिसको फिर आप थ्रू आउट अपना पूरा जो डेवलपमेंट कैरियर है उसमें उसको बार बार यूज़ करें, ताकि आपकी एक हिस्ट्री बन जाएगी। आप उसी से अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएं, उसी से अपना लिंक्डइन अकाउंट बनाएं, अपना हर एक अकाउंट कोशिश करें कि उस नाम के साथ बनाएं। जैसे कि उससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब कोई वो यूज़र नेम लिखकर गूगल में सर्च करेगा तो आपकी जितनी प्रोफाइल्स होंगी, जो भी पोर्टफोलियो वेबसाइट, सारी चीज़ें उसको नज़र आएंगी। तो ये आपकी एक किस्म की कह लें कि आप आज स्टार्ट करेंगे तो ये इंशाल्लाह आपको एक दो साल तक आपकी हिस्ट्री बनती रहेगी। और उसके बाद फिर जब कोई आपका यूज़र नेम लिखकर सर्च किया करेगा तो क्योंकि वो एक यूनिक नेम है, वो सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करता है, तो आपकी सारी प्रोफाइल्स उनके सामने ही ओपन हो जाएंगी। ओके, इसको मैं क्लोज कर दूंगा। यहाँ पे मैं अभी एक यूनिक सा यूज़र नेम चूज़ कर लूँगा, कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पे आपने एन लिखना है, नो, ये बेसिकली आपको कह रहा है कि आपको ईमेल्स आएंगी इसकी अपडेट्स की जो आपकी इनरेलीवेंट। यहाँ पे आप नो लिखकर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपसे ये वेरीफाई करने का पूछेगा, आप इसको सिर्फ और सिर्फ वेरीफाई के बटन पे क्लिक करें, कुछ इमेजेस वगैरह आएंगी या कैप्चा आएगा उसको कंप्लीट करें, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। जब आप वेरीफिकेशन कैप्चा को कंप्लीट कर लेंगे तो ये आपके सामने बटन आ जाएगा क्रिएट अकाउंट, इस पर क्लिक करें और वेट करें। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे ये आपको एक कोड सेंड करेगा, यहाँ पे आप पासवर्ड सेव करना चाहें तो सेव कर लें, ये गूगल क्रोम की इस प्रोफाइल में आपका पासवर्ड सेव हो जाएगा। और क्योंकि मेरा गूगल अकाउंट इस प्रोफाइल में लॉग्ड इन है तो वो उसके साथ सिंक भी हो जाएगा। ओके, ये बेसिकली आपको एक कोड सेंड करेगा, वेरिफिकेशन कोड आपकी ईमेल पे, वो कोड आपको यहाँ पे एंटर करना है। मैं अपना कोड एंटर करता हूँ, जैसे ही आप कोड एंटर करेंगे इस स्टेप से ये मूव ऑन कर देगा। तो मैं यहाँ पे कोड एंटर करूँगा और फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ये बेसिकली वन टाइम कोड है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको किस तरह की ईमेल आएगी। मैंने अपना अकाउंट ऑलरेडी ओपन किया हुआ है और ईमेल तक मूव हुआ हूँ, तो आपको जो इसका सब्जेक्ट होगा वो ये होगा, योर गिटहब लॉन्च कोड, और ये वाला कोड आपने कॉपी करना है। इसको कॉपी करें, यहाँ पर आएँ और यहाँ पर पहले बॉक्स पे क्लिक करके कंट्रोल वी कर दें। वहाँ पे मैंने कंट्रोल सी किया था, यहाँ पे कंट्रोल वी करूँगा वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आप जस्ट मी और नीदर, बेसिकली आप स्टूडेंट या टीचर सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन वो वेरिफिकेशन मांगता है, तो आप एन ए नीदर को सिलेक्ट कर लें और कंटिन्यू करें। यहाँ से हमें कुछ भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू क्लिक करें। यहाँ से हम फ्री प्लान को चूज़ करेंगे, कंटिन्यू फॉर फ्री, इस पर क्लिक करते हैं और ये आपका गिटहब का अकाउंट क्रिएट कर देगा। इसी के साथ आपका गिटहब का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आप अपने डैशबोर्ड पर मूव कर देंगे। तो हमारे दो काम कंप्लीट हो गए, हमने गिट को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया और गिटहब में अपना न्यू अकाउंट क्रिएट कर लिया। आपके पास अगर ऑलरेडी गिटहब पे अकाउंट बना हुआ है, गिटहब पे, बिटबकेट पे या गिट लैब पे, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ उनके लिए जिनके पास अभी तीनों में से किसी पे भी कोई अकाउंट नहीं है, ताकि वो अपना एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकें। क्योंकि मैं पर्सनली गिटहब यूज़ करता हूँ तो इस वजह से मैंने गिटहब को रिकमेंड कर, पर्सनल प्रेफरेंस है, इनमें कोई मीन के अप एंड डाउन रेटिंग नहीं। ओके, नेक्स्ट हमारा स्टेप था एक रेपो क्रिएट करना। उसके लिए आप इस बटन पे क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू और यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू रेपोजिटरी। रेपोजिटरी का कॉन्सेप्ट आप इस तरह समझ लें कि ये सिर्फ और सिर्फ गिटहब में आपके अकाउंट में, आपका अकाउंट एक पार्टीशन कह लें। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे विंडोज एक्सप्लोरर ओपन करता हूँ, दिस सिस्टम, इसको आप समझ लें कि ये गिटहब है, ये दिस सिस्टम, और यहाँ पर ये जितनी पार्टीशंस हैं ये सारे डिफरेंट अकाउंट हैं। क्योंकि पार्टीशंस इतनी ज़्यादा बनाना थोड़ा ज़रा कह लें कि अनोइंग काम हो जाएगा। इसको थोड़ा और आसानी से समझाने के लिए आप ये समझ लें कि गिटहब एक सिस्टम है और जब आप उस पर अपना अकाउंट बनाते हैं, आपके नाम का एक फोल्डर वहाँ पे बन जाता है, आपका डाटा इस फोल्डर में सेव होता जाएगा। अब इस फोल्डर में आपका डाटा फर्दर सब फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज होगा
वो जो सब फोल्डर्स हैं वो रेपोजिटरीज हैं। ये आपके नाम का जो एक मेन फोल्डर, एक अकाउंट गिटहब में बन गया, अब उसके अंदर मैं एक नया काम सेव करवाने के लिए एक सब फोल्डर बनाऊंगा। ये रेपोजिटरी आप एक फोल्डर के अगेंस्ट समझ लें। यहाँ पर मैं कहूँगा HTML एंड CSS कोर्स बैकअप। ओके, आप स्पेस यूज कर सकते हैं, आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्पेस यूज करें। स्पेस यूज कर लें, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगी हाइफ़न्स में। या तो आप डायरेक्ट हाइफ़न के साथ लिख के उसको कंप्लीट कर लें, या फिर स्पेस यूज कर लें। आप नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं और जो भी चाहें। ये फोल्डर का नेम है जैसे कि मैंने कहा, तो इस चीज से अनटिल अनलेस कि आपने ये रेपोजिटरी किसी थर्ड पर्सन के साथ, किसी और के साथ शेयर करनी हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर रेपोजिटरी नाम रखें जिससे आपको ये क्लियर हो, आप नाम पढ़ें और आपको क्लियर हो जाए कि अच्छा ये किस प्रोजेक्ट का या किस चीज का काम है, क्या काम मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ है। मैं यहाँ से ये नंबर्स हटा दूंगा। यहाँ पे आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिख लें, नाम को कोशिश करें 100 कैरेक्टर्स में कवर कर लें, डिस्क्रिप्शन बाकी 200 कर लें, 1000 कर लें, जिस तरह, ताकि आप जब वापस आएं और इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो आपके लिए आसानी हो समझने के लिए कि इस रेपोजिटरी में क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ लिख दूंगा HTML एंड CSS कोर्स कंटेंट। डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद नेक्स्ट आपके पास आता है रेपोजिटरी विजिबिलिटी, कि ये रेपोजिटरी किस किस को विजिबल है। अगर आप यहाँ पे पब्लिक सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका अकाउंट कोई भी प्राइवेट टैब में ओपन करके आपकी इस रेपोजिटरी को एक्सेस कर सकता है, उसको क्लोन कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, जो भी इसमें डाटा होगा सबको एक्सेसिबल होगा गिटहब पे, जो भी आएगा आपके अकाउंट तक जो आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो डाटा है ये सिक्योर है, ये सिर्फ आपको एक्सेस हो और जिसको आप जिसके साथ इसको शेयर करें एज अ कोलेबोरेटर, सिर्फ उसी को एक्सेस हो, तो आप इसको प्राइवेट कर दें। मैं ऑलमोस्ट अपनी सारी रेपोजिटरीज को प्राइवेट बनाता हूँ और जिसके साथ शेयर करना होता है उसको एज अ कोलेबोरेटर ऐड कर देता हूँ। यहाँ से हम प्राइवेट सिलेक्ट करेंगे और बाकी ऑप्शन किसी को नहीं शेयरेंगे। यहाँ पर क्रिएट रेपोजिटरी पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप रेपोजिटरी क्रिएट करेंगे ये रीडायरेक्ट करके आपको रेपोजिटरी के व्यू पेज पे ले आएगा। इस पेज पे अब आपके पास टोटल 3 ऑप्शन है। एक ये कि आप गिट की कोई GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस करके उसमें अपना अकाउंट लॉगिन कर लें और उसके थ्रू मैनेज कर लें इस रेपोजिटरी को। जैसे कि गिटहब के लिए एक काफ़ी अच्छा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है गिटहब डेस्कटॉप, इसके थ्रू मैनेज किया जा सकता है। सेकेंड वे है HTTPS, ये बेसिकली आपसे आपका अकाउंट यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड मांगेगा। लास्ट वे है SSH, ये बेसिकली काफ़ी सिक्योर कनेक्शन है। SSH को हम इस वीडियो में कवर नहीं कर सकेंगे, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के गिटहब की प्लेलिस्ट में उसको ऐड कर दूंगा। अभी के लिए हम कंटिन्यू करेंगे HTTP के साथ। ओके, अभी तक हमने जो काम कर लिया है उसमें शामिल है कि हमने गिट को लोकली इंस्टॉल कर लिया है, गिटहब पे अकाउंट बना लिया है, एक रेपो बना लिया है, और अब नेक्स्ट जो हमारा काम है वो ये है कि हमने लोकल जो कोड है या कोई भी जो काम है उसको इस रेपोजिट्री में बैकअप करना है। मैं विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन कर लूंगा और एक डेमो फोल्डर बना लूंगा और उसमें मैं कुछ डेमो फाइल्स बना दूंगा HTML की, ताकि हम उस कोड को इस रेपोजिटरी में बैकअप कर सकें। HTML CSS डेमो फाइल्स, इसको ओपन करूंगा राइट क्लिक करके ओपन विद कोड, ये विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक फाइल यहाँ पे बना लूंगा index.html, और यहाँ पर मैं डिफॉल्ट जो बॉयलर प्लेट है HTML का वो इंसर्ट कर लूंगा। मैं HTML लिखूंगा, मुझे ऑटो कम्प्लीशन में ये HTML5 मिलेगा, उसमें मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास डिफॉल्ट जो है HTML वो आ जाएगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं इसका टाइटल चेंज कर दूंगा लर्निंग गिट एंड गिट हब।
यहां पर एक H1 ऐड कर दूंगा और ये सेम चीज मैं यहां पर भी ऐड कर दूंगा। ये सिंपल सी मैंने एक HTML की फाइल बना ली है, मैं इसका कॉपी पाथ करूंगा, इस चीज को मैं यहां से क्लोज कर दूंगा और इसको एक दफा ओपन करके देख लूंगा कि ये सही तरह काम कर रही है। ये सही तरह काम कर रही है, इसको क्लोज कर दूंगा और यहां पर अब हमने उस कोड को बैकअप करना है। उसका तरीका कार क्या है कि आप विंडो एक्सप्लोरर ओपन कर लें और उस फोल्डर में आ जाएं जहां पे आपका कोड या जो भी काम आपने बैकअप करना है वो पड़ा हुआ है। आपकी काफी ज्यादा फाइलें हैं कोड के अलावा, कोड तो आपका एक फोल्डर में ही रैपअप होगा। अगर आपकी कोई इमेजेस हैं या कोई डिजाइनिंग की फाइलें हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका कि GitHub की लिमिट जो है वो 50 MB पर फाइल है, उससे ज्यादा होगी तो बैकअप नहीं होगा, तो इस चीज का बस ध्यान रखें। बाकी आप जो चाहें उसमें बैकअप कर सकते हैं। मैं यहां पर आ गया, राइट क्लिक करूंगा और यहां पर ओपन गिट बैश हियर इस पे क्लिक कर दूंगा। ये गिट का जो टर्मिनल है उसको इस फोल्डर में ओपन कर देगा। यहां पे मैं गिट लिखकर अगर एंटर करूंगा तो ये आपको जो हमने गिट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था ये उसकी सारी कमांडें यहाँ पे शो कर रहा है। सबसे पहले जो एक बेसिक कमांड है जिससे हमें पता चलता है कि इस रेपोजिटरी का जो स्टेटस है या इसमें जो फाइल्स और फोल्डर्स हैं उनका क्या स्टेटस है, उसके लिए कमांड है गेट स्टेटस। इसको एंटर करूंगा तो यहाँ पे ये बता देगा कि इसमें गिट इनिशियलाइज नहीं किया गया। मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज को बड़ा कर दूंगा और अब हम कंटिन्यू करेंगे। गिट को एक फोल्डर में इनिशियलाइज करने के लिए आप ये जो अभी मैं मेथड करने लगा हूं, मैं आपको बता दूंगा कि यहां तक ये जो कमांडें थी आपने जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो उसमें ये चीज एक दफा बस करनी है। गिट इनिशियलाइज सिर्फ और सिर्फ एक दफा एक प्रोजेक्ट में होता है। तो इस फोल्डर में हमने गिट बैश को ओपन कर लिया और यहां पर गिट को इनिशियलाइज करने के लिए हम लिखेंगे गिट इनिट, एंटर करूंगा तो ये गिट को यहां पर इनिशियलाइज कर देगा। गिट को इनिशियलाइज करने का क्या मतलब है कि अब मैं जो गिट की कमांडें हैं इसमें कोड को बैकअप करके गिट के सर्वर पे पुश कर सकता हूं। गिट इनिट की कमांड आप एक प्रोजेक्ट में सिर्फ एक दफा कॉल करेंगे, उससे ज्यादा दफा कॉल नहीं करेंगे। एक दफा आप कॉल करेंगे गिट उसमें इनिट हो जाएगा। नेक्स्ट, जब भी आप इस प्रोजेक्ट में अब चेंजेस करेंगे, आप कोई फाइल ऐड करते हैं, किसी फाइल में कोई नया काम ऐड करते हैं, कोई पुराना काम डिलीट करते हैं या किसी फाइल को डिलीट करते हैं, तो ये वाला काम आपने करना है। आप करेंगे गिट ऐड और यहाँ पे अब आपके पास दो तरीके हैं। आप एग्जैक्टली उस फाइल का नाम लिखते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे गिट स्टेटस लिखूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले जब मैंने गिट स्टेटस लिखा था तो उसने मुझे बताया था कि ये एक गिट रेपोजिटरी नहीं है, यहाँ पे गिट इनिशियलाइज नहीं किया गया। अब जब मैंने गिट इनिट करने के बाद, और गिट इनिट एक प्रोजेक्ट में सिर्फ एक दफा होगा, अब जब मैंने गिट स्टेटस की कमांड रन की है तो वो मुझे बता रहा है कि मैं मास्टर ब्रांच पे हूं और मेरे पास ये वाली फाइल्स अनट्रैक्ड हैं। जो भी अनट्रैक्ड में फाइल आएंगी या चेंजेस वगैरह ये मेंशन करेगा, उसको ट्रैक करने के लिए आपके पास जो कमांड है वो है गिट ऐड, और यहाँ पे अब आप या तो उस फाइल का स्पेसिफिक पाथ मेंशन कर दें या नाम मेंशन कर दें, जैसे हमारे केस में index.html है, ये कर दें, या फिर आप यहाँ पर गिट ऐड डॉट कर दे। डॉट का मतलब होगा कि ये जो करंट डायरेक्टरी है इसमें जितने चेंजेस हुए हैं उन सब को ऐड कर लो। स्टार्टिंग में आप इस कमांड के साथ कंटिन्यू कर लें। जब आप एडवांस गिट एडवांस यूजर बन जाएंगे तो तब आप फाइल बाय फाइल या फोल्डर बाय फोल्डर जो स्पेसिफिक चीजें आपने कमिट करनी हो और बैकअप करनी हो गिट में, तो उस कमांड के साथ कंटिन्यू कर लें। तो स्टार्ट में हम जो कमांड फॉलो किया करेंगे वो ये होगी गिट ऐड डॉट, चेंजेस को ट्रैक करने के लिए। तो इस कमांड को मैं एंटर करूंगा। नेक्स्ट, अब मैं फिर एक दफा गिट स्टेटस को रन करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले ये मुझे बता रहा था कि अनट्रैक्ड फाइल्स वो फाइलें जिसका गिट को नहीं पता, और मुझे बता भी रहा था यूज गिट ऐड, और जो हमने कमांड की डॉट उसका मतलब है कि इस डायरेक्टरी में जितनी भी चेंजेस हैं सबको ट्रैक कर लो। जब मैंने ये कमांड रन की तो अब ये मुझे बता रहा है कि चेंजेस टू बी कमिटेड, कि ये जो फाइलें ये गिट में ऐड तो हुई है लेकिन इनको कमिट नहीं किया गया। तो फ्लो जो चलता है गिट में वो ये है कि सबसे पहले
आपको इनिशियलाइज करवाना पड़ता है गिट को एक प्रोजेक्ट के अंदर, और ये वन टाइम है इन वन प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट में एक दफा आपको इनिशियलाइज करवाना पड़ता है, जिसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ और इधर। ओके, नेक्स्ट जो ऑलमोस्ट हर दफा आपको काम करना, जब भी आपने कोई फाइल एड की है, एडिट की है या डिलीट की है, तो ये काम आपको दोबारा करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले चेंजेस जो है उसको गिट को बताना पड़ेगा, वो आप ये कमांड यूज किया करें गिट एड डॉट। उसका मतलब है कि इस डायरेक्टरी में मैंने जितने भी चेंजेस किए हैं, जो फाइल ऐड की है, एडिट की है या डिलीट की है, उन सबको रिकॉर्ड कर लो, ट्रैक कर लो। उसके बाद आपको कमिट करना पड़ेगा, जो भी आपने ट्रैक करवाए हैं चेंजेस उनको कमिट, उनको बेसिकली उनकी कहने की एक ना बंडल फाइल छोटी सी बनती है, वो बन जाएगी, और लास्टली फिर उसको सर्वर पर पुश करना पड़ेगा। ओके, ये काम हमने कर दिया, ट्रैक कर लिए चेंजेस। अब उन चेंजेस को कमिट करके उनका एक हैश बना लेंगे, और बाद में जो कमिट हुए चेंजेस होंगे उनको सर्वर पे पुश कर देंगे। तो कंटिन्यू करते हैं, कमिट करने के लिए गेट कमिट आप ये यूज कर सकते हैं। बेसिकली इसमें कोई मैसेज ऐड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक जनरल कमिट हो जाएगा। हम जब भी कमिट किया करेंगे, हम एक मैसेज के साथ किया करेंगे, ताकि उसका गिट हब में पूरा रिकॉर्ड बनता है कि कौन सा कमिट कब हुआ था और उसके साथ क्या मैसेज ऐड हुआ है। तो मैसेज जब भी हम रीड किया करेंगे, हमें उसकी एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि ये कमिट आखिर क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस करवा रहा है। इसमें मैं कह दूंगा मैसेज ऐड करने के लिए आप डैश स्पेस डैश एम और डबल कोट्स, डबल कोट्स के अंदर अब आप जो भी मैसेज टाइप करना चाहते हैं कर दें। यहाँ पे मैं मैसेज टाइप कर दूंगा स्टार्टिंग कमिट इन HTML CSS और प्रोजेक्ट फोल्डर, एंटर करूंगा। जब हम फर्स्ट टाइम गिट को इंस्टॉल करते हैं तो हमें ये दो सेटिंग्स सिस्टम के अंदर सेट करनी पड़ती है। ये सेटिंग हम एक पीसी पे, एक सिस्टम पे एक दफा सेट करेंगे गिट को इंस्टॉल करने के बाद। उसके बाद ये हम इसको अपडेट कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट सेट हर दफा करने की जरूरत नहीं है। इनको सेट करने का तरीकाकार यही है कि इस कमांड को कॉपी करें और पेस्ट करें, यहां पर अपनी ईमेल एंटर कर दें। जो भी आपकी ईमेल है, वो ईमेल जिसके साथ आपने अपना गिटहब का अकाउंट बनाया है, वो ईमेल यहां पे एंटर करें और एंटर कर दें। एक सेटिंग सेट हो गई, दूसरी लाइन को कॉपी करें, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके पेस्ट करें और अपना नाम एंटर कर दें। ये आप जो आपके गिटहब का अकाउंट नेम है उसी को यहां पे मेंशन कर दें। मैंने नाम यहां पे एंटर कर दिया और मैं एंटर करूंगा। दोनों सेटिंग सेट हो गई। ये काम हमें एक सिस्टम पे गिट इंस्टॉल करने के बाद सिर्फ एक दफा करना है, उसके बाद ये हर दफा में अवेलेबल होगा। ओके, अब मैं दोबारा एक दफा ये कमिट की कमांड रन करूंगा। लास्ट टाइम मुझे ये एरर आ गया था कि जो ऑथर है उसकी आइडेंटिटी इसको नहीं पता। इस दफा जब मैं एंटर करूंगा तो ये कमिट की जो कमांड है वो सक्सेसफुली रन हो जाएगी। मैं एक दफा फिर स्टेटस की कमांड रन करके देखूंगा, और यहां पे अब आप देख सकते हैं कि जब हमने सबसे पहले स्टेटस की कमांड रन की थी तो उसने हमें बताया था कि ये गिट की रेपो नहीं है, यहाँ पे गिट इनिशियलाइज नहीं हुआ। हमने गिट को इनिशियलाइज किया, फिर जब हमने स्टेटस किया तो उसने बताया कि आपने गिट की रेपो है, लेकिन कोई भी जो चेंजेस यहाँ पे, अगर ऑल फाइलें होती तो सारी फाइलें यहाँ पे आ रही होती, कि कोई भी चीज ट्रैक नहीं है, अनट्रैक चीजें। गिट ऐड किया, सब चीजों को ट्रैक में डाला, डॉट का मतलब करंट डायरेक्टरी, करंट डायरेक्टरी में जितनी चेंजेस है सबको ट्रैक कर लो। फिर जब गिट स्टेटस किया तो उसने बताया कि चेंजेस ट्रैक है लेकिन कमिट नहीं किया हमको अभी। हमने उन चेंजेस को कमिट किया, तो ये सिर्फ एक दफा एक सिस्टम में करना था, ये सेटिंग सेट कर ली। उसके बाद फिर जब कमिट किया वो चेंजेस कमिट हो गई, और फिर अब जब हमने गिट स्टेटस किया तो वो हमें बता रहा है कि हम ऑन ब्रांच मास्टर हैं, ये जो चीज है ये ब्रांच का नाम है। यहां पर भी ये एग्जैक्टली वही ब्रांच का नाम है जिस ब्रांच पे हम करंटली हैं। अगर मैं ब्रांच स्विच करूंगा तो यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा, ये गिट बैश में ऑटोमेटिकली शो होता है। नथिंग टू कमिट, कुछ भी कमिट करने वाला नहीं है। वर्किंग डायरेक्टली कमिट, वर्किंग डायरेक्टरी क्लीन, कि जो भी हमने काम किया वो सारा बैकअप है, लेकिन ये सारा बैकअप अभी लोकल गिट की रेपो में है, जो हमने गिट अनिट करने के बाद बनाई थी। ये सर्वर के साथ अभी सिंक नहीं हुआ, सर्वर में कोई चीज बैकअप नहीं हुई। मैं यहाँ पे अगर सर्वर में आता हूं
और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पे कोई चीज अभी तक बैकअप नहीं हुई, इसको किसी चीज का नहीं पता। हम यहाँ पे मैं वापस आ जाऊंगा टर्मिनल में और अब मैंने पुश करना है अपना जो लोकल कोड है, जो लोकल चेंजेस है उनको गिट पे पुश करना है, गिट हब पर। उसका तरीका काम ये है कि हमें एक रिमोट जो रेपोजिटरी है, ये जो रिमोट रेपोजिटरी है इसको ये लोकल रेपोजिटरी के साथ लिंक करना होगा। उसका तरीका क्या होता है कि गिट रिमोट, हमें गिट रिमोट में ओरिजिन सेट करना पड़ता है। आप ये चीज कैसे चेक कर सकते हैं कि करंटली कोई ओरिजिन सर्वर यूआरएल, सर्वर रेपोजिटरी यूआरएल सेट है कि नहीं? आप ये कमांड लिखेंगे गिट रिमोट स्पेस डैश वी, एंटर करेंगे तो जितनी भी रेपोजिटरीज की यूआरएल आपने इस लोकल रेपोजिटरी को बताए होंगे वो सारे यहाँ पे वो मेंशन कर देगा। अभी क्योंकि हमने कुछ नहीं बताया तो अभी कोई भी चीज शो नहीं हो रही। रिमोट यूआरएल को ऐड करने का तरीका का ये है कि गिट रिमोट ऐड, यहाँ पे अब आपने उस जो रेपोजिटरी है उसको एक नाम देना है। डिफॉल्ट जो नाम चलता है वो है ओरिजिन, ओ आर आई जी आई एन, ओरिजिन। मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूँ ओ, सिंपल। स्पेस देके अब यहाँ पे जो यूआरएल है उसको मेंशन करना है। हम यूआरएल को HTTPS का यूआरएल में कॉपी कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम SSH के साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे, उसकी इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में एक वीडियो ऐड कर दूंगा। यहाँ पे आके राइट क्लिक करके पेस्ट, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लीज मेक श्योर कर लें कि आपका जो यूआरएल है वो एग्जैक्टली सेम है जो यहाँ पर है, एंटर। अब मैं फिर एक दफा ये कमांड रन करके देखूंगा, गेट रिमोट डैश वी, और इस दफा आप देख सकते हैं कि जो मैंने नाम दिया था, अगर आप डिफॉल्ट बेसिकली कोई रेपोजिटरी क्रोलॉन करेंगे तो तब यहाँ पे ओरिजिन आ रहा होगा, क्योंकि गेट बाय डिफॉल्ट ओरिजिन नाम चूज करता है जो रिमोट यूआरएल रिमोट रेपोजिटरी के लिए। मैंने और चूज किया और यहाँ पे ये बता रहा है कि फेच, फेच का मतलब पुल करना, सर्वर से पुल करना, और पुश का मतलब सर्वर में पुश करना, दोनों के लिए ये यूआरएल मेरे पास अवेलेबल है। ओके, अब पुश करने का तरीका क्या है, गेट पुश डैश यू फॉर यूजर, जो करंट यूजर डिफाइन किया गया है इन दोनों के साथ, ओ फॉर ओरिजिन के पुश कहां पे करना है। मैं यहां पे सिर्फ ये वेरिएबल का नाम आएगा, अगर यहां पे मैंने ओरिजिन लिखा होता तो यहां पे ओ की जगह ओरिजिन मुझे पूरा लिखना पड़ता, मैंने सिर्फ ओ लिखा है तो मैं यहां पे भी ओ लिखूंगा। स्पेस और जो ब्रांच, जो लोकल ब्रांच जो आप वहां पर पुश करना चाहते हैं, मेरी क्योंकि मैं अभी यहाँ पे मास्टर ब्रांच पे हूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मास्टर, एंटर करूंगा। एंटर करने पर हमारे सामने ये विंडो शो होगी, यहां पर आपको साइन इन करना पड़ेगा। आप क्लिक करें साइन इन विद योर ब्राउजर और ये ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर देगा यहां पर। यहाँ पे आप करंटली अगर पहले ही, क्योंकि ये वही प्रोफाइल है जिसमें मैंने गिटहब का अकाउंट अभी बनाया, तो इस वजह से मैं पहले गिटहब में लॉग इन हूं। मैं इसको क्लिक कर दूंगा ऑथराइज्ड। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे टर्मिनल में वापस आए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो ऑथराइजेशन कंप्लीट हो गई है और इसने ये जो कोड है वो गिट पे अब कोड पुश हो चुका है। मैं वापस यहाँ पर आके एक दफा इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ये मास्टर की ब्रांच बन गई है और ये वो फाइल है जो मेरी लोकल काम, वो यहाँ पर बैकअप हो चुका है। यहाँ पे मैंने उस फाइल पे क्लिक किया और आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली वो सारा काम है जो कि मैंने लोकल किया था। नेक्स्ट एक चीज हम देख लेते हैं कि अगर आप कोई चीज चेंज करते हैं कमिट की, यहाँ पे मैं कमांड लिख दूंगा कि क्या कमांड है, गिट कमिट डैश एम और यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर जो भी आपने मैसेज लिखा है, इसको मैं क्लोज कर दूंगा। और पुश करने की क्या कमांड है, गेट पुश डैश यू, जो भी आपने नाम रखा हुआ है रिमोट रेपोजिटरी का, ओरिजिन रखा है तो ओरिजिन, मैंने ओ रखा है तो वो, और जो ब्रांच है जिसको आप पुश करना चाह रहे हैं, जिस ब्रांच पे आप करंटली हैं, मास्टर। ये कमांड किस लिए है, ट्रैक चेंजेस और ऑल चेंजेस इन करंट डायरेक्टरी। ओके, करंट डायरेक्टरी में जितने भी चेंजेस होंगे वो सारे ये ट्रैक कर लेंगे। ओके, मैं इस यहां पे क्लिक करूंगा और एक नई फाइल ऐड करूंगा ताकि आपको ये चीज समझ लग जाए कि जब आप नया काम ऐड करेंगे तो उसको कैसे बैकअप करेंगे। यहां पे सिर्फ और सिर्फ कमेंट ऐड कर दूंगा, जस्ट टू शो हाउ टू ट्रैक
न्यू चेंजेस, ओके, कंट्रोल एस फॉर सेव, इसको क्लोज किया। एक दफा फिर मैं टर्मिनल में आऊंगा और गिट स्टेटस करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसमें फिर ऑलमोस्ट हमारा प्रोसेस यहां से स्टार्ट हो गया। ये बता देगा कि कौन सी चीजें, कौन कौन सी फाइलें जो है वो ट्रैक हुई है, मॉडिफाई हुई है, वो सारी चीजें ये बता देगा। तो हम ऑलमोस्ट ये सारा प्रोसेस रिपीट करेंगे। पहले हम सारी चीजें को ट्रैक करेंगे गिट एड डॉट के साथ, फिर हम उसको कमिट करेंगे गिट कमिट डैश एम और जो भी हमने मैसेज लिखा है वो, और लास्टली हम पुश कर देंगे गिट मास्टर। एक प्रोजेक्ट में आपने ये जो रिमोट यूआरएल है ये सिर्फ एक दफा सेट करना है, आप ज्यादा दफा सेट कर सकते हैं लेकिन जरूरत सिर्फ इसकी एक दफा है ताकि इसको रिमोट जो सर्वर रिपोजिटरी है उसकी पता चल जाए और ये उसमें चेंजेस पुश कर सके। मैं इसको जल्दी से पुश कर दूंगा ताकि हम चेंजेस को वहां पे देख सकें। गिट एट डॉट गिट कमिट डैश एम मैसेज बैकिंग अप स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल और डबल कोट्स क्लोज गिट पुश डैश यू फॉर यूजर ऑफ ऑन ओरिजिन एंड ब्रांच का नाम एंटर। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि जो चेंजेस हैं वो पुश हो गए हैं। एक दफा मैं यहां पर गिट स्टेटस अब अगर पुश लिख के एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा जब तक हमने ये रिमोट रिपोजिटरी को कनेक्ट नहीं किया था तब गिट स्टेटस की कमांड हमें क्या दिखा रही थी, ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट वर्किंग डायरेक्टरी क्लीन। अब हमें क्या दिखा रही है, ऑन ब्रांच मास्टर योर ब्रांच इज अप टू डेट विद, ये बेसिकली ओ जो है ओरिजिन इस सर्वर के यूआरएल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस रेपोजिटरी के साथ स्लैश मास्टर, ये इस रेपोजिटरी में जो मास्टर की ब्रांच इसने बनाई है उसके साथ अप टू डेट है। तो ये चीज मेन है, जब भी आपने काम करके पुश करना है तो एक दफा गेट स्टेटस करके ये देख लेना, अगर वो ये चीज कहती है कि आपकी जो ब्रांच है वो इस ओरिजिन के साथ उसकी ब्रांच के साथ अप टू डेट है, मतलब आपका सारा काम बैकअप हो चुका है। लास्टली नथिंग टू कमिट वर्किंग डायरेक्टरी क्लीन, मैं यहां पर आऊंगा रिफ्रेश करूंगा और यहां पे आप देख सकते हैं कि ये स्टाइल की डॉट सी एस एस की फाइल भी बैकअप हो चुकी है। एक और चीज जिससे आप इस चीज को कंफर्म कर सकते हैं कि आपका काम बैकअप हुआ है कि नहीं, आपने पुश किया उसके बाद आप इस रेपोजिटरी में आए, यहां पे आपको लास्ट जो आपने कमिट मैसेज लिखा है वो यहां पे शो होगा, टाइम शो होगा कितने टाइम पहले ये कमिट मैसेज किया गया और उसका मैसेज शो होगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम कंप्लीट करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, इसमें आपने देखा कि आप विंडोज में गिट को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, गिटहब में अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं, उसमें एक रेपोजिटरी को कैसे बना सकते हैं, लोकल आप किसी भी प्रोजेक्ट में एक लोकल रेपोजिटरी को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं और उस रेपोजिटरी में चेंजेस को ट्रैक करके कमिट करके उसको एक सर्वर जो गिटहब में रेपोजिटरी आपने बनाई है उसके साथ सिंक कैसे कर सकते हैं। अगर आप ये चीज भी सीखना चाहते हैं कि दो डिफरेंट सिस्टम्स पे आप गिट के साथ कैसे काम कर सकते हैं, कि आपका एक सिस्टम ऑफिस में पड़ा हुआ है, एक सिस्टम घर में पड़ा हुआ है, आपने ऑफिस में कोई काम किया वो आपने गिट पे पुश कर दिया, आप घर जाके उस काम को गिट से फेच करना चाहते हैं या पुल करना चाहते हैं, वो काम आप कैसे करेंगे, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में इस चीज को मेंशन करें, मैं उस पर भी वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, मैं उसका जवाब दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।